Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Review College, University of Allahabad. We are nowadays discussing topics under the theme of qualitative research methodology, in which I have already covered grounded theory, qualitative research, difference between qualitative and quantitative research, and naturalistic inquiry, and few more. Today, this time I will discuss ethnography. Hindi mein bolte hain nirvansh vigyan. And the lecture will be in bilingual mode. And subscribe my channel to get my future videos too. And the lecture will be very useful for various purposes. For your subjective examination, for your objective papers, for your competitive examinations, and for your research expertise as well. Okay, so let's start. Ethnography. कहाँ से आया एथनोग्राफी टर्म, क्या होता है इसके मायने? तो हमने जब अभी पहले बात की थी नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी की, तो मैंने आपसे कहा था कि नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी एक अम्ब्रेला टर्म है. आप इसको मान सकते हैं कि ये कवर कर रहा है सारी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजीज को. उसमें एथनोग्राफी एक पर्टिकुलर मेथड है. तो एथनोग्राफी क्या है? एथनोग्राफिक रिसर्च टेक्स अ कल्चरल लेंस टू द स्टडी ऑफ पीपल्स लाइव्स विद इन देयर कम्युनिटीज. यानी कि जब जब एथनोग्राफी की बात होगी, या एथनोग्राफी की बात तब होगी जब कल्चर का मेन रोल होगा. कल्चरल लेंस से हमको देखना है लोगों के जीवन को, कैसे वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में रहते हैं, तो कल्चर के लेंस से देखना है. दी रूट्स ऑफ एथनोग्राफी लाइन एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी जितने क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजीज ज्यादातर उनकी ओरिजिन एंथ्रोपोलॉजी से हुई है, तो एथनोग्राफी की भी एंथ्रोपोलॉजिकल ओरिजिन है. दैट फोकस्ड ऑन स्टडिंग द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ स्मॉल कम्युनिटीज इन फॉरेन कंट्रीज. कैसे हुई शुरुआत? कि जैसे मान लीजिए आप तो अर्बन एरिया में रहते हैं और आपको कोई ऐसी कम्युनिटी पे स्टडी करनी है जो कहीं बहुत दूर रिमोट एरिया में रहती है, कोई आदिवासी है, कोई इस तरीके का पर्टिकुलर उनका अलग कल्चर है, अलग सोसाइटी है, उनको स्टडी करना है, तो आप यहाँ बैठे बैठे नहीं कर सकते. क्या करना होगा? हमको उनके पास जाकर अध्ययन करना होगा. तो यहाँ से इसकी उपज हुई है. द रिसर्चर्स लिव्ड एमंग द इनहेबिटेंट्स, जो उसके पर्टिकुलर हैबिटेंट है, जो वहाँ के निवासी हैं, उनके संग रहना पड़ता है रिसर्चर को, विद द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कल्चर. किस उद्देश्य से? कि हम समझ सकें. कौन समझ सके? रिसर्चर समझ सके कि वो कल्चर, वो संस्कृति क्या है जो ये पीपल शेयर करते हैं, क्यों ये पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करते हैं. हो सकता है दूर से हमको लगे कि ये गलत है, लेकिन जब आप उनके कल्चर को समझेंगे, जब आप उनके साथ रहेंगे, तब आप उनके जब लेंस से देखेंगे, तब आपको चीजें उस लिहाज से समझ में आएंगी. द मेन एम ऑफ द एथनोग्राफर्स हाउएवर रिमेंस अबाउट द सेम. इनका भी मुख्य उद्देश्य क्या है? टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज. हमको प्रेक्षण करना है, हमको विश्लेषण करना है कि लोग कैसे इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से, एंड विद देयर एनवायरमेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देयर कल्चर. उनके कल्चर को समझना है उनके पर्सपेक्टिव से, तब जो स्टडी की जाएगी उसको एथनोग्राफी नाम दिया गया. द स्टडी ऑफ द कल्चर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप और कम्युनिटी. अगर हम इसको लिखना चाहें कि क्या है एथनोग्राफी, तो कल्चर का अध्ययन है, पर्टिकुलर सोशल ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन है, जो कि कुछ ग्रुप, किसी समूह के लोग, कोई किसी समुदाय के लोग शेयर करते हैं. एथनोग्राफी रिफर्स टू बोथ द डेटा गैदरिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड द डेवलपमेंट ऑफ एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक पीपल सेटिंग्स और वेज ऑफ लाइफ. ये डिक्शनरी ऑफ द सोशल साइंसेज से ली गई है. ये कह रहे हैं कि एथनोग्राफी डेटा गैदरिंग भी है और डेवलपमेंट ऑफ एनालिसिस भी है. किसका? विशिष्ट लोगों का, जो एक विशिष्ट तरीके से रहते हैं. ओके, देन द इमीडिएटिक पर्सपेक्टिव. देखिए, ये आपका बार बार आएगा जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करेंगे कि क्या होता है इमिक और क्या होता है इटिक पर्सपेक्टिव. तो बहुत इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी, सब्जेक्टिव भी, तो हमको कंसेप्ट क्लियर होगा तभी हम सही आंसर दे पाएंगे. तो जो इमिक पर्सपेक्टिव है, वो अभी समझ लें कि वो नेटिव का पर्सपेक्टिव है, यानी कि जिस पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं. और जो इटिक पर्सपेक्टिव होता है, वो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव होता है. तो इसको डिटेल में देख लीजिए. एथनोग्राफर्स सीक टू गेन एन इमिक पर्सपेक्टिव ऑफ द नेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू. जो नेटिव है, जो देशज है, जो वहां का निवासी है, उसके दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो उस पर्सपेक्टिव को इमिक कहेंगे. ऑफ ए स्पेसिफिक कल्चर, दिस मींस दैट दे ट्राई टू लुक एट द कल्चर एंड स्टडी फ्रॉम द इनसाइड. यानी कि जो वहां का निवासी है, उसके एंगल से हमको देखना है कल्चर को, थ्रू द मीनिंग दैट द मेंबर्स ऑफ दैट कल्चर लिव विद.
जिस कल्चर के साथ वो सदस्य रहते हैं उस अर्थ में हमको देखना है. देयरफॉर एथनोग्राफर्स अवॉइड इम्पोजिंग कंसेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स ऑन एम्पिरिकल डेटा एट द बिगिनिंग ऑफ द रिसर्च प्रोसेस. इसीलिए जो एथनोग्राफर होता है, जो एथनोग्राफिक रिसर्च करता है, वो कुछ इम्पोज नहीं करता है कोई थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, क्योंकि अगर इम्पोज करेगा तो वो चीज दब जाएगी. हमको तो निकालनी है कि वो कल्चर क्या है, कैसा, क्या मीनिंग शेयर करते हैं वो लोग, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या पर्टिकुलर उनका वे ऑफ लाइफ है, क्यों ऐसा है ना. और इटिक पर्सपेक्टिव क्या है? इटिक पर्सपेक्टिव मींस दैट द रिसर्चर लुक्स एट द कल्चर मोस्टली विद थ्योरेटिकल कंसेप्शन, जो हम उसके बारे में जानते हैं थ्योरी, उसके हिसाब से देखें तो इटिक है. नेटिव के हिसाब से देखें तो इमिक है. ऑल्दो रिसर्चर्स टेंड टू कंबाइन देम इन डिफरेंट वेज थ्रू आउट योर स्टडी. और हमारा पर्पस क्या होता है कि हमको इटिक और इमिक लेके एक बैलेंस बना के चलना है, किसका? एथनोग्राफर का. फिर व्हाइल एथनोग्राफर्स आर इंटरेस्टेड इन इमिक पर्सपेक्टिव, दैट इज हाउ मेंबर्स ऑफ कल्चर गिव मीनिंग टू द वर्ल्ड, दे आर आल्सो इंटरेस्टेड इन लैंग्वेज प्रैक्टिसेस. इन एथनोग्राफिक रिसर्च लैंग्वेज इज कंसेप्चुलाइज्ड एज सोशल प्रैक्टिस. यानी कि जब एथनोग्राफिक रिसर्च की बात होती है तो लैंग्वेज को क्या माना जाता है? लैंग्वेज को माना जाता है कि वो एक सोशल प्रैक्टिस है. व्हाट पीपल से एंड व्हाट दे कीप साइलेंट अबाउट प्रोड्यूस मीनिंग एंड वैल्यू इन सोशल लाइफ. देखिए, हम जो कहते हैं और हम जो नहीं कहते, उन दोनों का मतलब है, उन दोनों के पीछे कोई लॉजिक है, उन दोनों के पीछे कुछ वैल्यूज हैं सोशल लाइफ में. हर बात ना कही जाती है ना हर बात के लिए चुप रहा जाता है. तो लैंग्वेज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्वालिटेटिव रिसर्च में, स्पेशली एथनोग्राफी में. लैंग्वेज प्रैक्टिसेस आर सोशली कॉन्स्टिट्यूटेड बिकॉज दे आर शेप्ड बाय सोशल एंड हिस्टोरिकल फोर्सेस. जो भाषाई जो प्रैक्टिसेस हैं वो समाज द्वारा निर्मित हैं. क्यों? क्योंकि सामाजिक और ऐतिहासिक जो बल है उन्होंने उसको आकार दिया है, विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल्स. और हमारे और आपके वो इंडिविजुअल के कंट्रोल के बियॉन्ड है, उससे परे है. एट द सेम टाइम हाउएवर लैंग्वेज प्रैक्टिसेस कॉन्स्टिट्यूट पीपल्स लाइव्स टुगेदर बाय स्पेसिफाइंग maintaining and changing the frames of their actions. और जो language practices है वही हमारे कार्यों का मतलब, कैसे हमने, कभी कभी होता है ना हम कहते हैं कि हमारा वो मतलब नहीं था जो हमने कहा, तो इसका मतलब लैंग्वेज ने अपना रोल प्रॉपरली प्ले नहीं किया वहां पे. तो लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सारी क्वालिटेटिव रिसर्चेज में. ओके, देन मेथोडोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं इसके, किसके? एथनोग्राफी के. तो तीन मेथोडोलॉजिकल प्रिंसिपल इसके चल रहे हैं, नेचुरलिज्म, अंडरस्टैंडिंग और इंडक्शन. नेचुरलिज्म क्या है? अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म द एम ऑफ द रिसर्च इज टू कैप्चर द ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ नेचुरली अकरिंग ह्यूमन एक्शन. Objective description requires you to minimize your influence on the activities of the people that are studied. देखिए, ये बार बार जब भी बात आएगी objectivity और subjectivity की qualitative research में, तो हमको objective भी रहना है, subjective भी रहना है. यानी कि ऐसा ना हो कि हम जिनसे data seek करना चाहते हैं उनका data ना निकल के हमारा ही data निकल के आ रहा है कि हमने इतने ज़्यादा उन पर हावी हो गए, या हम जब उसकी analysis कर रहे हैं तो हम इतने detached हैं कि हमारा self उसमें नहीं आया. तो objectivity और subjectivity इसी नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी वाले वीडियो में इंटर सब्जेक्टिविटी की बात की गई थी. तो ये एक बहुत माइन्यूट सा मतलब, ये जरा सा भी बैलेंस बिगड़ेगा तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, है ना. तो नेचुरलिज्म एक तो इसकी प्रिंसिपल है कि हमको नेचुरल सेटिंग में नेचुरली अकरिंग ह्यूमन एक्शन को स्टडी करना है. और अंडरस्टैंडिंग, ए काउंटर आर्ग्यूमेंट टू नेचुरलिज्म इंटेल्स दैट यू कैन एक्सप्लेन ह्यूमन एक्शन ओनली इफ यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर इन विच एक्शन टेक्स प्लेस. यानी कि हम जिस कल्चर की स्टडी करने जा रहे हैं उसके बारे में हमको कुछ समझ होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि ऑल टुगेदर एक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक नया कल्चर हमने पढ़ा और हम उस पर स्टडी करने चले गए और तुरंत हम उनके पास रहने चले गए, मतलब हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करने चले गए या हम वहाँ जाके रह रहे हैं स्टडी कर रहे हैं. हमको उसकी कोई प्रायर समझ होनी चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि चल क्या रहा है. यू शुड नॉट अज्यूम दैट यू ऑलरेडी नो अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव्स बिकॉज स्पेसिफिक ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स डेवलप डिस्टिंक्टिव वर्ल्ड व्यूज. मतलब एक प्रॉपर उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, और ये भी हमको समझना है कि हम दूसरे आदमी का पर्सपेक्टिव नहीं जानते हैं, हमको वही पर्सपेक्टिव अध्ययन करने तो हम वहाँ गए हैं ना. तो एक नेचुरल समझ हो, एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग हो, और फिर हम जानें कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है. तो बहुत ये टिपिकल होता है ये रिसर्च, ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, बहुत स्किल्ड होता है. हर कोई एथनोग्राफी, हर कोई नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, हर कोई क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं कर सकता है. ओके, देन इंडक्शन. Ethnographers argue in favor of inductive and discovery-based research processes, ना, because on focusing on local interpretation. हम inductive है, यानी कि हमको specific से general जाना है.
तो हम मतलब पहले से कुछ प्री प्लान नहीं है, पहले से एकदम सुनिश्चित नहीं है, पहले से फ्रेम नहीं बना हुआ है, तो हम डिस्कवरी बेस्ड रिसर्च करेंगे कि जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसका पथ निकलता जाता है कि आगे हमको किस दिशा में जाना है. क्यों? क्योंकि हम लोकल इंटरप्रिटेशन पे बल दे रहे हैं. इट इज आर्ग्यूड दैट इफ द रिसर्चर अप्रोचेस अ कम्युनिटी विद अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड थ्योरेटिकल मॉडल्स कॉन्सेप्ट्स और प्रोपोजिशंस दे मे फेल टू डिस्कवर इट्स डिस्टिंक्टिव एंड कॉन्टेक्चुअल नेचर ऑफ इट. हमने पढ़ा है कि कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती है नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती है क्वालिटेटिव स्टडी. तो हम पहले से कोई प्री डिफाइंड नोशन लेकर नहीं चलेंगे कि ऐसा है, क्योंकि अगर हम वैसे जाएंगे तो सब कुछ हमको उसी एंगल से हम सही गलत करने लगेंगे. यहां हमको सही गलत तो कुछ करना ही नहीं है, हमको ये नहीं बताना आप सही कर रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, आपके संग सही हुआ या आपके संग गलत हुआ. हमको ये बताना है आपके साथ क्या हुआ और आप उसको कैसे फील करते हैं, आपकी समझ क्या है उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को लेकर. ओके, हाउ टू कंडक्ट. सबसे ज्यादा मुश्किल होता है क्वालिटेटिव रिसर्चेस में कि कैसे जाए, क्योंकि कुछ भी प्री डिफाइन नहीं है, कुछ भी सुनिश्चित नहीं है, कोई फ्रेमवर्क हमको पहले से रेडीमेड टेलर मेड नहीं मिला हुआ है. तो क्या करें? सबसे पहले तो चूजिंग दी फील्ड साइट, कहाँ हमको अध्ययन करना है, किस पर अध्ययन करना है, तो सबसे पहले हमको फील्ड साइट बताना होगा. फिर डूइंग फील्ड वर्क इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज दैट यू नीड टू कैरी आउट इन ऑर्डर टू कलेक्ट योर डेटा. यानी कि हमको सारा फील्ड वर्क करना है, मतलब हम कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे, हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, कि हम इंटरव्यू करेंगे, कि हम साइट पे कोई डॉक्यूमेंट स्टडी करेंगे. जनरली बाद में आपको और पता चलेगा कि ट्रायंगुलेशन एक टर्म होता है क्वालिटेटिव रिसर्चेस में. जनरली बहुत सारी तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाता है ताकि जो वैलिडिटी है उसको इंश्योर कर सकें. तो फील्ड वर्क में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. फिर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज अ सेंट्रल डेटा कलेक्शन मेथड इन एथनोग्राफिक रिसर्च. द चैलेंज इज टू कंबाइन पार्टिसिपेशन एंड ऑब्जर्वेशन इन अ वे दैट इनेबल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइट एज एन इनसाइडर व्हाइल डिस्क्राइबिंग इट टू आउटसाइडर्स. मतलब हमको पार्टिसिपेट भी करना है, हमको ऑब्जर्व भी करना है, और दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन लेकर चलना है ताकि हम एक इनसाइडर के रूप में उस स्टडी को बाहर लाएं दुनिया के लिए, आउटसाइडर्स के लिए. ओके, फिर एथनोग्राफिक इंटरव्यूज में क्या है, बिसाइड्स ऑब्जर्वेशन एन एथनोग्राफिक स्टडी कैन बी सेंट्रली बेस्ड ऑन ओपन एंडेड नैरेटिव और लाइव स्ट्रीम इंटरव्यूज विच इन ऑल्सो बी कॉल्ड एथनोग्राफिक इंटरव्यूज. जनरली हम लोग मतलब जैसे कहीं जाके किसी का स्टडी कर रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, तो उसमें से कुछ ऐसे वोकल लोग मिल जाएंगे जिनसे हमको लगेगा कि उनका अगर इंटरव्यू भी ले लें तो और बढ़िया निकल के आएगा डेटा, तो उनका इंटरव्यू भी लिया जा सकता है. फिर साइट पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, उनकी स्टडी. फील्ड नोट बनाना, फील्ड नोट्स बनाना सबसे ज्यादा मुश्किल है. द जनरल एडवाइस इज दैट द फील्ड नोट शुड बी रिटन आइदर ड्यूरिंग द स्टे इन द फील्ड और एज सून एज पॉसिबल आफ्टर लीविंग द फील्ड साइट. यानी कि हम क्या करें कि या तो हम वहीं पर बना लें जहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं, या जैसे ही हम फील्ड से हटें वैसे ही बना लें, नहीं तो बहुत सारी चीजें मिसिंग हो जाएंगी और वो बहुत सारा डेटा होगा जो लॉस हो जाएगा, है ना. तो चार मुख्य जो हैं उद्देश्य भाग होते हैं फील्ड नोट्स के. कौन कौन से? ओके, ये वहां से मिस हो गया, कोई बात नहीं. फोर फील्ड, मतलब उसको कैसे जॉट डाउन करना है, कैसे उसकी एनालिसिस करनी है, कैसे उसका रिफ्लेक्शन करना है, कैसे उसकी ब्रीफिंग करनी है, ये सारे पॉइंट फील्ड नोट्स में आते हैं. फिर की पॉइंट्स क्या है, किसके? एथनोग्राफी के. सबसे पहले क्या, यूजुअली फोकस ऑन वेरी फ्यू केसेस, मे बी जस्ट वन बट इन डिटेल. हमने बार बार बात की कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारा सैंपल जो होगा वो बहुत छोटा होगा, कुछ केसेस हो सकते हैं, एक भी हो सकता है. फिर ऑफन इन्वॉल्व वर्किंग विद द प्रीवियसली अनस्टडीड फिनोमेना, वो फिनोमेना जो स्टडी नहीं किया गया है, जो अनएक्सप्लोर्ड है, जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, उस पर अक्सर रिसर्च की जाती है. इम्फेसाइज एक्सप्लोरिंग सोशल फिनोमेना रादर देन टेस्टिंग प्रीसेट हाइपोथेसिस. पहले से कोई हाइपोथेसिस, कोई परिकल्पना बनाकर हमको दे दी गई है, उसकी सिर्फ हमको चेकिंग करनी है कि वो सही है कि गलत, ये नहीं होता है एथनोग्राफी में. बल्कि हम क्या करते हैं, किसी सोशल फिनोमेना को एक्सप्लोर करते हैं. फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग द कल्चर ऑफ ए ग्रुप इन ए वेरी डिटेल्ड एंड कॉम्प्लेक्स मैनर. हम किसी कल्चर को बहुत डिटेल स्टडी करना चाह रहे हैं तो वो एथनोग्राफी है. एथनोग्राफिक रिसर्च हैज एन इंटरेस्ट इन कल्चर एंड कल्चरल मीनिंग्स विद एन एम्फेसिस ऑन द इमिक और द इनसाइडर व्यू. हमने कहा ना कि इमिक क्या है, नेटिव का पर्सपेक्टिव है. तो जो कल्चर की हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कल्चर पे हम स्टडी करने जा रहे हैं, उसका इमिक पर्सपेक्टिव हमको निकालना है. Then involve engaging in extensive field work where data collection is mainly by interviews, symbols, artifacts, observations and many other sources of data. Field based है, open ended है, interpretive है, और हमको data को different perspective और different sources से collect करना है, ताकि क्या हो कि रिच मिले हमको डेटा. एंड रिप्रेजेंट पार्टिसिपेंट्स इन देयर ओन टर्म्स बाय यूजिंग कोटेशंस एंड शॉर्ट स्टोरीज. अगर कोई कोटेशन बताते हैं, वो कोई शॉर्ट स्टोरी आपसे डिस्कस कर रहे हैं, वो सब कुछ आपके डेटा का हिस्सा है. ओके, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. फायदे तो बहुत दिखाई दे रहे हैं ना, कि बहुत अच्छे से स्टडी हो जाएगी, डिटेल कुछ निकल के आएगा, कुछ रिच पता चलेगा, कुछ अनएक्सप्लोर्ड चीजें सामने आएंगी. कैन अकाउंट फॉर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ग्रुप बिहेवियर्स, कैन रिवील क्वालिटीज ऑफ ग्रुप एक्सपीरियंस, कैन हेल्प डिटरमिन फ्यूचर क्वेश्चंस एंड टाइप्स ऑफ फॉलोअप रिसर्च. यानी कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन दिक्कतें क्या है,
टाइम कंज्यूमिंग एंड रिक्वायर्ड अ वेल ट्रेन रिसर्चर, बहुत इसमें समय लगने वाला है और आपको वेल ट्रेन होना पड़ेगा, वरना आप एकदम इतना हैपजर्ड हो जाएगा कि आप कुछ नहीं समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है. टेक्स टाइम टू बिल्ड ट्रस्ट विद इन्फॉर्मेंट्स इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट फुल एंड ऑनेस्ट डिस्कोर्स. टाइम लगता है, रुक जाओ, टाइम लगता है सॉरी कि हम ट्रस्ट डेवलप कर सकें इन्फॉर्मेंट्स के साथ, या हम फुल और ऑनेस्ट डिस्कोर्स हो हमारा. फिर शॉर्ट टर्म स्टडीज आर एट ए पर्टिकुलर डिसएडवांटेज इन दिस रिकॉर्ड. तो अगर हमने बहुत छोटी सी कोई स्टडी की है तो हमको ना, हम जब तक डेटा सॉरी हम जब तक रैपो बिल्डअप करेंगे तब तक हमारी स्टडी खत्म होने लगेगी, तो हमें कोई डेटा मिलेगा नहीं. फिर बायस ऑन द पार्ट ऑफ द रिसर्चर कैन इफेक्ट बोथ द डिजाइन ऑफ द स्टडी एंड द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. यानी कि रिसर्चर के पार्ट पे अगर बायस है तो वो हमारी डिजाइन को भी इफेक्ट करेगा, हमारे कलेक्शन इंटरप्रिटेशन सबको इफेक्ट करेगा. यानी कि अनबायस्ड होना है, डिटैच कब होना है, इन्वॉल्व कब होना है, कब हमें ऑब्जेक्टिविटी शो करनी है, कब हमें सब्जेक्टिविटी शो करनी है, ये सब आपको करते करते आएगा, स्किल्ड होना पड़ता है उसके लिए. टू लिटिल डेटा मे लीड टू फॉल्स असम्पशन. अगर हमने बहुत थोड़ा सा ही डेटा हमसे निकला, क्यों, क्योंकि अगर हम मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा है कि अगला सवाल क्या पूछना है, हमको उनसे कैसे इंटरव्यू लेना है, तो डेटा बहुत कम निकलेगा तो असम्पशंस हमारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स. और अगर वाइल लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेटा मे नॉट बी प्रोसेस्ड इफेक्टिवली, अब या तो हमें बहुत सारा डेटा निकल आता है एक्चुअली क्वालिटेटिव रिसर्च में, तो अगर उसकी प्रोसेसिंग सही नहीं हुई तो भी हमारा कोई रिजल्ट नहीं आएगा. तो दोनों ही चीजें इसमें कष्टकारी होती हैं. एंड डोंट्स, क्या हमको नहीं करना है, करना तो बहुत कुछ है कि हमको प्री कंसीव नोशन नहीं रखना है, हमको कुछ मतलब सेट पैटर्न नहीं मिलेगा, और हमको साइट ऐसे ढूंढनी है, और हमको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में बहुत सारी चीजें, लेकिन क्या क्या नहीं करना है. Do not interrupt and simply observe. अगर हम किसी स्टडी कर रहे हैं किसी कल्चर की और हमको कई चीजें हमारे लॉजिक से गलत लग रही हैं, तो अगर हम उनको इंटरप्ट करेंगे तो फिर वो हमें अपना हिस्सा नहीं बनाएंगे अपने समुदाय का, हमें अध्ययन नहीं करने देंगे, हमें सही चीजें नहीं बताएंगे. तो हमें ये नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है. नेवर पुट प्रेशर ऑन द स्टडी सब्जेक्ट. जिन पर हम स्टडी कर रहे हैं उन पर हमको कोई प्रेशर नहीं डालना है. डू नॉट ऑफेंड द कल्चर वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप अंडर स्टडी. हमको उनके कल्चर वैल्यूज और नॉर्म्स की बुराई नहीं करनी है कि आपने ये 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 गलत है, क्योंकि उनके लिए वही मायने है, उसके वही वैल्यूएबल है. नेवर डिस्टॉर्ट द फैक्ट्स टू मीट द रिसर्च एम. यानी कि हमको जो भी फैक्ट मिल रहा है हमको कभी उसको डिस्टॉर्ट नहीं करना है. नेवर गो अनप्रिपेयर्ड एंड विदाउट प्रायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रुप. अगर हम अनप्रिपेयर्ड गए तो हम उनसे कोई सवाल नहीं कर पाएंगे. हमारे दिमाग में क्वेश्चन की लिस्ट होनी चाहिए कि हम उनसे क्या क्या सवाल पूछने हैं, अगर वो अटकेंगे तो कौन से प्रोबिंग क्वेश्चन है, ये सारी लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए. वो बात दूसरी है कि उनके सवाल से उनके आंसर से वो सवाल हमारे इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ब्लैंक नहीं जाना है. नेवर क्रॉस द इथिकल बाउंड्रीज टू कंडक्ट द रिसर्च. हमने आपको पहले भी कहा कि जो इथिक्स का इशू है वो क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत ज्यादा है, तो हमको कभी भी इथिकल बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना है. ओके, तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं क्वालिटेटिव रिसर्च पे. आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है क्वांटिटेटिव रिसर्च से. इसका एम ही अलग है, पर्पज ही अलग है, इसलिए इसकी सारी बातचीत ऐसे चलती है कि जनरली जो क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं करते उनको लगता है कि इट इज नॉट ए रिसर्च एट ऑल, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो कोई जनरलाइजेशन नहीं है, इसमें तो कोई सेट पैटर्न नहीं है, इसमें तो कुछ भी निश्चित नहीं है, सुनिश्चित नहीं है, तो इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ये रिसर्च नहीं. पर अब आप समझ सकते हैं अगर आप नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, एथनोग्राफी और क्वालिटेटिव रिसर्च को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये भी एक तरीका है स्टडी करने का. बस हम इसको क्यों इख्तियार करें, क्योंकि हमारा पर्पज ही अलग है. ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप 2. ओके, डन फ्रॉम माय साइड.